लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं पूजा प्रिया। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। लॉ एंड ऑर्डर पर उद्योगपति ने जब जताई चिंता तो नीतीश तेजस्वी बोले डरने की जरूरत नहीं। आईएएस हरजीत की मुश्किलें बढ़ी, मामले में सीएम नीतीश ने लिया संज्ञान। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बड़ा बयान, 2023 में सीएम बनेंगे तेजस्वी यादव। विजय सिन्हा ने सीएम नीतीश और लालू यादव को घेरा। सम्राट अशोक के शिलालेख के मुद्दे पर बीजेपी जदयू में जंग। बिहटा में बालू ठाप को लेकर हिंसक झड़प, 4 लोगों की मौत। पूर्णिया में नोट छापने वाली प्रिंटर के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। बीपीएससी 67वीं प्री एग्जाम कल आयोग ने जारी किया नोटिफिकेशन। और बिहार के 19 जिलों में बारिश और वज्रपात होने की संभावना। अब खबरें विस्तार से। बिहार इन्वेस्टर मीट में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उद्योगपतियों ने जब चिंता जाहिर की तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये आश्वस्त किया कि उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं आने देंगे। यदि कोई व्यक्ति उद्योग लगाने में परेशान करते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। सीएम ने उद्योगपतियों से कहा कि आप लोग बेफिक्र होकर काम कीजिए। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने उद्योगपतियों से साफ कह दिया है कि वे बिहार में एकदम बेफिक्र होकर काम करें। अगर जरूरत होगी तो हम लोग रातों रात वहां पुलिस चौकी खुलवाएंगे। बिहार में महागठबंधन की सरकार है, किसी को जरा सा भी डरने की जरूरत नहीं है। बिहार के आईएएस हरजोत कौर को छात्र के सवाल का बेतुका कमेंट करना भारी पड़ गया है। इस बयान पर जमकर विवाद शुरू हो गया है। इसके बाद अब हरजोत कौर भामरा की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है। इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है और अब हरजोत कौर को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया है। इधर नीतीश कुमार ने भी मामले में चुप्पी तोड़ी है और कहा कि हमने इसकी जांच के लिए कह दिया है और दोषी होने पर कार्रवाई होगी। हालांकि आईएएस ने अपने किए गए बयान पर खेद जताया है और माफी मांगी है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि देश नीतीश कुमार का इंतजार कर रहा है। उन्होंने एक चैनल से बात करते हुए कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि 2023 में नीतीश कुमार तेजस्वी को सीएम का पद सौंप देंगे। इससे पहले लालू यादव ने भी कहा था कि समय आने पर तेजस्वी यादव राज्य का सीएम बनेंगे। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार को अब देश को संभालना चाहिए। तो इस पर लालू ने कहा कि सब लोग मिलकर देश संभालेंगे। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सीएम नीतीश और लालू यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है तब से बिहार में क्राइम बढ़ता जा रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अपराधियों को कोई जाति नहीं होती है, ऐसे में उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सिर्फ गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा। साथ ही उन्होंने लोगों से कहा कि यदि नीतीश सरकार ये सब करने में असफल होती है तो आप लोग तैयार रहे, इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। सासाराम में सम्राट अशोक के शिलालेख को लेकर बिहार में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इसको लेकर बीजेपी के बाद अब जदयू भी मैदान में कूद गई है। भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने कल ही ऐलान किया था कि सासाराम में सम्राट अशोक के शिलालेखों को मुक्त कराने के लिए 1 अक्टूबर को प्रदर्शन किया जाएगा। अब इस मुद्दे पर बीजेपी से पिछड़ती देख जदयू भी मैदान में कूद गई है। जदयू के उपेंद्र कुशवाहा ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि अब तक इसका निपटारा न होना अफसोसजनक है, लेकिन अब जल्द ही हो जाएगा। जिला अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों से बात हो गई है। बिहटा में अवैध बालू खनन को लेकर 2 गुटों में गोलीबारी हुई है, जिसमें 4 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों गुटों में बालू घाट पर वर्चस्व की लड़ाई को लेकर विवाद हुआ है। इस घटना में कई लोग घायल भी हैं। इधर आरा में भी बालू के वर्चस्व को लेकर मजदूर की हत्या कर दी गई है। घटना के बाद परिजनों में दहशत है। बता दें कि एक तरफ जहां बालू के खनन पर राज्य सरकार ने रोक लगा रखी है, वहीं दूसरी ओर अवैध खनन को लेकर आए दिन गोलीबारी और हत्या हो रही है। बिहार के सभी सीमावर्ती जिलों में जाली नोटों के खपाने का गिरोह सक्रिय है। पूर्णिया पुलिस को जाली नोट तस्कर के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने जाली नोट के 5 तस्कर को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 4,91,500 रुपए के जाली नोट बरामद किए गए हैं। जब्त सभी नोट 100-100 रुपए के थे। गिरफ्तार अपराधियों के पास से जाली नोट छापने वाली प्रिंटर मशीन भी मिली है। बीपीएससी की रद्द की गई 67वीं परीक्षा कल यानी कि 30 सितंबर 2022 को होने वाली है। परीक्षा से जुड़ी एक जरूरी सूचना आयोग की वेबसाइट पर जारी की गई है। नोटिस में अभ्यर्थियों को एग्जाम से 1 घंटे पहले सेंटर में पहुंचने को कहा गया है। लेट होने पर वे एग्जामिनेशन हॉल में इंटर नहीं कर सकेंगे। एग्जाम दोपहर 12 बजे से शुरू होगी जो अगले 2 बजे तक चलेगी। अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वे एग्जाम हॉल में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस जैसे अन्य सामान लेकर न जाए। इसका उल्लंघन करने वाले कैंडिडेट पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बिहार में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है। इन दिनों लगातार कई जिलों में बारिश हो रही है, इससे ठंड के मौसम जल्द आने की संभावना है। राजधानी पटना में आज बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग पटना ने प्रदेश के 19 जिलों में वज्रपात और हल्की बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। ऐसे में IMD ने हिदायत दी है कि बारिश के समय घर से बाहर न निकले। वहीं इसके अलावा अन्य जिलों में मौसम सामान्य रहने के आसार है। तो फिलहाल के लिए लाइव सिटीज के नेट बुलेटिन में बस इतना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।